कहानी में सुन रहा हूँ वो दो कहानियाँ आप लोग पढ़ चुके हैं, कम से कम दो लोग तो पढ़ ही चुके हैं, लेकिन तीसरी कहानी जो है जो मैं शुरू कर रहा हूँ इन दोनों ने भी नहीं पढ़ी है। पुराने टाइम में तिब्बत में कोई व्यक्ति था शेपा नाम का, शेपा, और आवाज नहीं आ रही, तो शेपा जो है वो बुद्धत्व को प्राप्त हो गया था। और बुद्धत्व को प्राप्त होने से पहले किसी जमाने में शेपा एक चोर था और उसका काम यही चोरी करना, और चोरी भी रात को चोरी करना, और दिन में जो है वो आराम से सोया करता क्योंकि सारी रात को दिन को चोरी नहीं कर पाता, इस गांव में उस गांव में, इस शहर में उस शहर में, इस पड़ोस में उस पड़ोस में, रात को चोरी करना और दिन में नहीं पूरी करना। तो दिन में वो सोया रहता तो कोई बहुत ज्यादा उसका सर्कल भी नहीं था। तो इसी अपनी प्रक्रिया में एक बार किसी पड़ोस के गांव में कोई कुटिया थी, कोई आश्रम था, और आश्रम में कोई साधु रहते थे। आश्रम जो है एक कमरा सा बना हुआ था, कमरे के आगे चारदीवारी, लंबा आंगन और फिर गेट था उसपे। और आश्रम का जो साधु था उस आंगन में अपनी खटिया में जो है लेटा हुआ था, किसी विचारों में मगन था। शेपा ने दीवार फांदी और उसके आश्रम में उस कुटिया को देखा, अंदर जो एक ही कमरा था वहां जा पहुंचे वो चोरी के इरादे से। तो शेपा चीजों को खंगाल रहा था, उसने देखा एकदम से किसी आदमी का एहसास, वो साधु उसके पास पहुंच गया और साधु के हाथ में दिया जल रहा था, तो हड़बड़ा गया एकदम से, उसने चाकू निकाला शेपा ने। साधु के बाद में बड़ा अजीब सा गर्व था, भारीपन था कि चाकू अंदर करो, उसको समझ नहीं आई, उसने भी चाकू अंदर कर लिया। और साधु ने कहा कि मेरे धन्यवाद है, मैं तो जो है दूसरों के दरवाजे पर आज तक मांगता ही गया आया हूँ, आज मेरे दरवाजे पर कोई किसी उम्मीद में आया है, और मुझे तो इस कुटिया में आज तक कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं, मैं दिया जो है जला के लेके आया हूँ, तुम्हें कोई मिले तो ले जाओ, मेरे तो वैसे भी कोई काम की है नहीं। तो एक छोटा सा संदूक था, उसमें सामान निकाला ढूंढा, कुछ नहीं मिला उसको, और कोई प्रॉपर्टी कोई चीज़ थी ही नहीं। तो साधु ने अपनी जेब से उस जमाने के जो रुपए थे 10 रुपए निकाले कि कोई जो है भेंट दे के गया था, और ऐसे लोग भेंट दे के जाते रहते हैं जिनसे मेरा गुजारा चलता रहता है, भाई ये पकड़ो। और मालिक जो है वो अपने आप पैसे दे रहा, बड़ा उसने हाथ पीछे खींचे कि हाथ आगे बढ़ाओ, जिसको मत, ये मेरा कहा है। शेपा ने भी हथेली आगे कर दी, उसने 10 रुपये उसकी हथेली में रख दिए, उसने जेब में डाल दिए और कहा मेरे पास, साधु ने कहा मेरे पास देने के लिए यही है, अगर कभी और अवसर मिले जरूर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और तुम आए, तुमने आज जो है फकीर से मुझे राजा बना दिया, आज पहली बार मैंने कुछ दिया है। शेपा वहां से पैसे लेके चला, मेन दरवाजे से ही चला, और चांदनी रात है, दरवाजा खुला है, दरवाजे से वो निकल गया, चला गया, बात खत्म नहीं। 5-10 दिन के बाद कुछ यूँ हुआ कि शेपा को किसी पिछली चोरी के शक में वहां की कचहरी ने गिरफ्तार किया, सिर्फ डाउट में शक में। और शेपा कहता रहा कि मैं बेगुनाह हूँ, ये चोरी मैंने नहीं की है। और पुराने जमाने में जैसे अपने भी जमानती और चिनकती का रिवाज है, कोर्ट कार्ट में किसी में केस हो जाए, अपने जमानती ले गया, शिनाख्ती ले गया, पंचायतों में अंग्रेज जब यहाँ पे आए तो जमानती और शिनाख्ती का जो रिवाज है कानून नहीं है। मेरे कई मित्र हैं पुलिस में, वे तो जज भी है ना, वो पुरानी लीक पीट रहे हैं, मूर्ख तक कर रहे हैं, वो कोई एक कानून में लिखे कि आप जमानती और शिनाख्ती लेके ही जाओगे, ये एक रिवाज चला रहा है, रिवाज अंग्रेजों के टाइम का। और अंग्रेजों ने इसलिए चला था कि उन्होंने यहाँ की समाज की व्यवस्था देखी, भाई लड़ाई झगड़े होया करते तो पंचायत होया करती, चोरी का कोई मामला हो जाए, चोरी की शक्का हो जाए और दूसरा हो जाए, और
कोई पंचायती आदमी उसकी जिम्मेदारी दिया करता है, अगर इसने चोरी करी है तो सदा तक के तुम्हारे चोर हैं, इसके पैसे की जिम्मेदारी मेरी है। ये इसने यह गलती आज तो कर दी, आज के बाद यह गलती नहीं करेगा, जिम्मेदारी मेरी है। तो किसी रेपुटेटेड आदमी कोई जिम्मेदारी ले ले तो उसको माफी दे दी जाती थी। तो अंग्रेजों ने वो चीज़ मानी, टैक्स की जमानती शिनाख्ती इस तरह की, फिर ये दोबारा बार बार तारीखों पे पेशी पे आता रहे इस बात की क्या जिम्मेवारी है जो हम जमानत ले रहे हैं इसकी। तो जमानती जो अपने फर्द वगैरह वो उतनी पूंजी की एक लाख का मुचलका है, मान लो तारीख तोड़ जाए और फरार हो जाए तो उसको एक लाख रुपये जब्त हो जाए कानून। उसके बाद ये है, अगर कानूनी प्रक्रिया जमानती की जरूरी नहीं है, ये है कि वो खुद भी चाहे चेक दे दो एक लाख रुपए का, इतना में भी काम चल सकता है। तो सेवा को भी कचहरी में कहा, वह हम कैसे मान लें कि तू बेगुनाह है, भाई चोरी तकारी तूने नहीं की है, वह तू अपनी बेगुनाही में कोई ऐसा रेपुटेटेड कोई ऐसा व्यक्ति ले आया जो ये कह दे कि मैं जो है इसकी तसल्ली दूँ सेवा की, वह इसने चोरी नहीं की होगी। सेवा का कोई सर्कल था ही नहीं, दिन में तो सारा दिन वो नींद पूरी कराया करता, कहीं उठना बैठना था ही नहीं, किसी से बातचीत नहीं होती थी। तो उसके ध्यान में आया कि उस दिन साधु से बात हुई थी और साधु ने कहा था कि मेरे लायक अगर कोई काम पड़े तो जरूर याद करना मेरे को। तो उसने कहा कि फलाना काम में जो बाहर साधु रहता है वो मेरा परिचित है, उसको बुलाया। तो साधु को बुलाया गया, जजेज ने पूछा वे आप जो है इसकी तसल्ली जो हो चोरी के बारे में हमें डाउट है। तो साधु ने कहा कि मैं पूरी तसल्ली दूंगी, ये तो बड़ा ईमानदार आदमी है और ये मेरे पास आया था और मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की थी कोई काम से, और इसने वो चीज़ मेरी स्वीकार भी कर ली थी, मेरी रिक्वेस्ट मान ली थी और उसके लिए मैं बड़ा इसका कृतज्ञ भी था, और ये इतना अच्छा आदमी था कि मैंने इसको फिर बार बार भी बुलाया है और आत्मसम्मान इतना है कि दोबारा मेरे पास आया नहीं कि ये 100 का 100 या ईमानदार या मैं कह सकता हूँ ये सही आदमी है, मैं इसकी तसल्ली दूँगी। तो कोई आदमी गलती में फंस रहा हो, कोई समस्या में फंस रहा हो और खुद की गलती की वजह से समस्या में फंस रहा हो, बहुत सारे मतलब अक्सर उसको डांटा जा रही क्यों करा, लेकिन उस टाइम उस पर थोड़ा कोई आदमी यकीन कर ले तो उस टाइम पे वो उसकी नज़र में भगवान हो जाए। तो साधु जो है उसको बरी करवा के कोर्ट ने बरी कर दिया और साधु चल पड़े अपनी कुटिया की तरफ, से उसके पीछे पीछे साधु 10 कदम चल रहे, फिर देखे वो पीछे लग रहे हैं तो चट देगा, फिर चल रहे फिर देखे वो तो पीछे पीछे आ रहे हैं, तो साधु भी रुक गया, बोला मेरा पीछा छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। बोला जी अब नहीं छोड़ूंगा पीछा, अब तो आपके साथ में ही आना है, ये मेरे साथ वहाँ कहाँ भटकेगा तू, तेरा अपना घर है। बोले भटकता तो अभी तक आया मुझे, मैं रास्ता मंजिल उसका तो पता है, अब लग गया भटक तो अब तक रहा था मैं। तो उसका शिष्य हो गया और शिष्य होने के बाद उससे भी पहले जो दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है आत्मिक में बोलते हैं कि साक्षात्कार हो जाना, बुद्धत्व को प्राप्त हो जाना, वो बुद्धत्व को प्राप्त हो गया, बड़ा नाम हुआ उसका। बुद्धत्व को प्राप्त होने के बाद कई बार उसकी अपने गुरु से डिस्कशन होती थी कि आपने मेरे साथ जी बर्ताव क्यों करया, और लोग तो डांटे शिकायत करे रिपोर्ट कचहरी में कहीं जावर उसके खिलाफ में। तो उसके गुरु ने कहा कि मेरे जीवन का फलसफा है, वह अगर कोई मेरा अपमान करने आए, मुझे लूटने आए, चोरी करने आए, मारने पीटने आए और कोई गलत इरादे से आए, तो मैंने जीवन से यही सीखा है कि अगर कोई इस तरह की हरकत से इस तरह की मानसिकता लेके आए तो उस पर दया करना, उस पर रहम करना, उस पर तरस करना, समझना तुमसे तो दीन है, तुमसे तो हीन है, तुमसे तो गरीब है। और मुझे ये भी पता है अपने तजुर्बे से कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो हो सकता है वो बदले ना बदले, लेकिन मैं जरूर बदल जाऊँगा और मैं इतना बदल जाऊँगा कि दुनिया की कोई भी विपत्ति मुझे हिला नहीं पाएगी, परेशान नहीं कर पाएगी।
तो मैं जैसे यहाँ आया साढ़े चार साल अक्सर बोल जरूर बीच बीच को लगातार नहीं या कुछ का कहना कुछ पटांग जो करूँ जैसी हरकत करते थे, मतलब मैं बार बार करता रहा और आप लोगों ने बार बार जो है स्वीकार आप करते रहे, इग्नोर करते रहे, बुलाते रहे अपने, कभी उस तरह का जो है कोई डांट फटकार कोई उलाना वो आपकी तरफ से मिला नहीं। मैं अपनी हरकतें अलग से अलग बदलता रहा लेकिन आप नहीं बदले, आप अडिग रहे सेवा के गुरु की तरह से। और फिर सेवा ने भी पूछा, चलो सेवा के गुरु ने भी पूछा, चलो मैंने आपके साथ ये किया लेकिन आपका मन कैसे बदला, आपने कैसे डिसाइड किया? तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक पल तो ऐसा होगा ही। तो सिपा ने कहा कि आपने जो उस जमाने की मुद्रा जो 10 रुपये थी, यार मैं जा रहा था आपके आंगन से एक मुद्रा था और सामने चांदनी रात की चांद खिला हुआ था, तो उस दिन पहली बार चांद को देख के आपके बर्ताव को देख के मेरे मन में एक कविता फूटी। और कविता जो उसने कोई तिब्बती भाषा में बताई उसका मेन सार ये था कि तुम्हारे इस बर्ताव ने मेरी आत्मा को इतना ऊंचा उठाया है, मैं इतना अहोभावी हूँ कि अगर मेरे हाथ में होता तो इस चांद को तोड़ के आपको दे देता। आपने 10 रुपये दिए थे, सम्मान दिया था, उसके बदले में सोच रहा था मैं आपको क्या दूँ, काश मैं चांद तोड़ सकता, ये चांद आपको लौटा देता। आप सबके बर्ताव से मैं तो इतना ही सोच रहा था कि ग्रुप डी से TGT में ग्रुप सी न मुझे और मैं संतुष्ट हूँ उसमें, लेकिन इतना सहयोग सारे स्टाफ का सारे वीडियो चार पाँच जो भी रहे जो पढ़ने में कहो कहीं पढ़ूँ कहीं बैठा रहूँ आया ना आया, तो कोई परेशानी किसी की तरफ से हुई नहीं। और उसी माहौल के कारण जो है मैं सी की सोच रहा था, डी से सीधा मतलब बी में पहुँचा गया मैं, और उसके बदले में अगर मेरे हाथ में हो तो कोई फूलों की खुशबू कोई चांद में भी आपको देने से मिल जाता। और गिफ्ट देना ये कीमत का मत का सबको पता है, कोई मसला होता ही नहीं, ये तो भावों की बात है। यहाँ आने से पहले सारे तरह के लोग सभी में आ रहे हैं बेरोजगारी में, लोकूठें भी अवसाद भी और अच्छी बुरी चीजें, ऐसा भी टाइम रहा कि भीड़ में कहीं भी मैं भीड़ में चलता तो अपने आप को मैं अकेला पाता, और अकेलेपन में शांति नहीं थी, कानों में अजीब सा शोर गूंजता रहता था अकेलेपन में। यहाँ आने के बाद धीरे 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 उस शोर की जगह संगीत ने ले ली और मैं लगातार और ज्यादा जो है वो प्रेम से बढ़ता गया। जब भी कोई एक्सेप्शनल डे को छोड़ के मैं किसी से आपसे बात करूँ हंसूँ बोलूँ, जब भी आपके पास से गुजरूँ मैं मुस्कुराऊँ या मेरी वजह से आप किसी बात पर मुस्कुरा दो, तो मेरे को ऐसा लग गया कि बुद्ध तो जो है वो लगातार परमानेंट ही उदा हो जाना है, लेकिन जब भी आप मुस्कुराए मेरी बातों से, जब भी मैं हंसे आपकी बातों से, मेरे को लगा कि मैं कुछ हंसों में उदा हो गया। और समझ ही नहीं आ रहा कि ये जो एहसान है ये जो कर्ज है मैं आप सबका उतार के कैसे जाऊंगा। पहले दिन अर्जुन से बता रहे थे जैसे ये थोड़ी सी चोट पेट लग रही थी निकल, और संकट दिन था मेरे साथ में,